हे फूडीज, नई और यम्मी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल केजीज किचन को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस पहले देखने के लिए बेल बटन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाने जा रहे हैं जो कि गर्मियों में बहुत यम्मी लगती है और बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना स्ट्रॉबेरी लस्सी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम स्ट्रॉबेरी ली है, यानी 1 कप स्ट्रॉबेरी है। इनको मैंने अच्छे से धोकर सुखा दिया है और अब हम एक बाउल में हम इनको अच्छे से कट कर देंगे। पहले हम इनका छिलका निकाल देंगे और इन्हें एक स्ट्रॉबेरी को 5-6 भागों में काट कर इस तरह से चॉप कर देंगे हम। इसी तरीके से हमें सारी स्ट्रॉबेरीज को चॉप करना है। देखिए, हमने सारी स्ट्रॉबेरीज को चॉप कर दिया है। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे ताकि हम इसकी अच्छे से लस्सी बना सकें। अब मैंने यहाँ पर 200 ग्राम योगर्ट लिया है। आप हंकर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास योगर्ट नहीं है तो। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है ताकि लस्सी हमारी थोड़ी थिक बने। इस यहाँ पर मैंने 4 चम्मच पाउडर शुगर डाला है। शुगर की मात्रा आप स्ट्रॉबेरी की स्वीटनेस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच जो है वो दूध डाला है। आप दूध की जगह क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हमने लस्सी बना दी है। पीस कर इसको अच्छे से और अब हम सर्विंग ग्लासेस में स्ट्रॉबेरी चॉप करके डालेंगे और स्ट्रॉबेरी की लस्सी को इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पर मैंने आइस भी डाला है इसके अंदर, ये देखिए, और ऊपर से मैंने स्ट्रॉबेरी शरबत डाला है। ये हमारी लस्सी बनके तैयार हो गई है। आप भी बनाइए रेसिपी और बताइए कैसी लगी आपको ये। और मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।